वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल। थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत नमन है दोस्तों। आज आपके लिए एक अलग टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें बताया जाएगा कि आपको कौन सी समस्या है, कौन सी परेशानी है, कौन सी तकलीफ है, जिसका हम समाधान ढूंढ सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं, और आप इस समय किस समस्या से जूझ रहे हैं, किस समस्या आपको बहुत अधिक परेशान कर रही है दोस्तों, इस कार्ड से ये जानेंगे। और साथ ही साथ हम उसका उपाय भी बताएंगे कि कैसे आपका समस्या दूर होगा और आप किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ पे दो स्टोन रखे हैं दोस्तों, एक बड़ा शंख और दूसरा छोटा शंख। इसमें से आप जो भी अच्छा लगता है, जो भी अट्रैक्शन आपको शंख दे रहा है, उसमें से आप दिल से एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक बड़ा शंख है, एक छोटा शंख है, जो भी आपको अच्छा लगे चुन लीजिए, उसके बाद हम अपना जो भी आपकी समस्या है आज रीडिंग में हम बताएंगे। जिन्होंने बड़ा शंख चुना था दोस्तों, उसमें कार्ड निकल के आया है पास्ट लाइफ, नथिंग, कंप्रोमाइज, एडवेंचर और प्रोजेक्शन और क्रिएटिविटी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी सामने से दिख नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपके जीवन में बहुत ही पारिवारिक समस्याएं हैं, आपके भाई में, आपके माँ बाप में या तो रिश्तेदारों में बहुत ही तकलीफ था, बहुत ही टेंशन भरा जीवन आपका पास्ट लाइफ जो था, बहुत ही संघर्षमय था, बहुत ही तकलीफ में थे आप, बहुत ही परेशान थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, या भाई भाई से लड़ रहा था, माँ बाप अपने बच्चे से लड़ रहे थे, या फिर आपके रिश्तेदार आपके पीछे पड़े हुए थे, जिसके कारण आप बहुत ही तनाव और टेंशन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे दोस्तों। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चल रहा है आपकी समस्या जो थी बहुत ही बड़ी पारिवारिक समस्या थी, बहुत ही रिश्तेदारों का भी तकलीफ यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे आपके परिवार हैं और नीचे भी आपका परिवार है, यानी आपके रिश्तेदारों से भी वैचारिक मतभेदता थी, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई परेशानी चल रही थी, समस्या चल रही थी, जिसके कारण आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को कौन सी समस्या चल रही है, क्या परेशानी हो रही है। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है, देख रहे हैं इस कार्ड को, आपका छोटा परिवार है और आपके रिश्तेदार आप लोग को बहुत ही परेशान कर रहे हैं, बहुत ही तकलीफ दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये बताया जाए आपको पारिवारिक तकलीफ भी हो सकती है, हो सकता है किसी को आर्थिक तकलीफ हो कि भोजन ना मिल रहा हो, आपका घर का खर्च ना चल रहा हो, इस तकलीफ वाले समय में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को खाना भी नसीब नहीं होता था, किसी को बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा अपने परिवार के लिए, अपने लिए ये बहुत बड़ी समस्या थी। आपको जीवन में कुछ भी नहीं दिख रहा था, आपका जीवन पूरा ब्लैंक हो गया था, दुख ही दुख भर गया था, निराशता से भर गया था, बहुत ही तकलीफ में थे आप दोस्तों। यहाँ पे ये बताया जा रहा है बहुत ही परेशान थे, टेंशन में थे, आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, नथिंग, जीवन में कुछ भी नहीं था आपके, एकदम आप ब्लैंक थे, बहुत बड़ी समस्या थी। इस कार्ड को देख कर ये लग रहा है कि वाकई आपके जीवन में समझिए अंधेरा ही अंधेरा था दोस्तों। इस कार्ड से ये पता चलता है पूरा अंधेरा, दुख, निराशता, तकलीफ बहुत घिरे हुए थे आप, बहुत ही समस्याएं थी, वो पारिवारिक भी हो सकती हैं, आर्थिक भी हो सकती हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये कंप्रोमाइज से इस कार्ड से ये दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आपको सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपको हर परिस्थितियों में आपको आप जो भी आपको कोई भला बुरा कहता था तो आप समझौता करके चुप हो जाते थे, शांत हो जाते थे, क्योंकि आप कमज़ोर थे, इसके लिए यहाँ पे आपकी ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। आप हर बात में कंप्रोमाइज़ करते थे, हर बात में आप समझौता करते थे कि जाने दो, जो झूठ भी बोल रहा है तो सही है, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी आपको। आप खुलकर जी नहीं पा रहे थे, खुलकर रह नहीं पा रहे थे, स्वतंत्र आप अपने जीवन को जी नहीं पा रहे थे, इस कार्ड से ये पता चल रहा है। और आपको लोग परेशान करते जा रहे थे और समस्या खड़ी करते जाते थे आपके लिए यहाँ पे। और आपने बहुत ही साहस से, बहुत ही कठिनता से, आपके जीवन में चारों तरफ ही अंधेरा अंधेरा था। इंसान देखिए दोस्तों, जब परिवार का तकलीफ आता है ना तो आदमी बहुत टूट जाता है,
आपको तकलीफ की ही समय जो तकलीफ थी वो परिवार की ही थी, आपके रिश्तेदारों की ही थी, आपका कोई साथ नहीं दिया, आप पारिवारिक समस्याओं से बहुत घिरे थे, चाहे आपका लड़का हो सकता है, चाहे आपकी लड़की हो सकती है, चाहे रिश्तेदार हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे आपका बुराई करते हों, आपको आपके दुश्मन बने हों। बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। अगर अपना परिवार साथ देता है तो इंसान हर समस्या से जूझ लेता है, लेकिन अगर परिवार साथ नहीं देता है तो इंसान एकदम अपने हृदय से टूट जाता है और वो चारों तरफ से बिखर जाता है दोस्तों। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, ये बड़ी समस्या थी आपको, परिवार की समस्या थी, आर्थिक समस्या थी, और यहाँ पे आप बहुत ही हिम्मत वाले, बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सब दुख को, इस कष्ट को, नथिंग चीज़ को सहा। आप बहुत ही पावरफुल इंसान हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं कि इतने गलत परिस्थितियों में, इतने वैचारिक भेदता में, बहुत ही गंदे रिश्तेदारों के साथ, और आपके खुद के परिवार भी बहुत अच्छे नहीं थे दोस्तों, जिसमें आपने बहुत ही साहस से, बहुत ही अच्छे से विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभाला, इन विषम समस्याओं से अपने को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही आप पावरफुल इंसान हैं, सलाम करना पड़ेगा आपके आपके जैसे लोगों को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आप बहुत ही बड़े समस्या से गुजर रहे थे दोस्तों, और आप बाहर निकल भी जाएंगे, अगर थोड़ा सा भी सावधानी रखें, थोड़ा सा भी सांस रखें, तो आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपके जो दोस्त थे, मित्र थे, रिश्तेदार थे, वो सब आपके लिए दुश्मन बने थे, आपके सामने मुखौटा पहन के आते थे। आपके सामने तो बहुत ही अच्छा बंदे, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और पीठ पीछे जाके आपका बहुत ही शिकायत करते थे, बहुत ही तकलीफ़ में, और बहुत ही आपका बुराई करते थे। ये भी बहुत बड़ी समस्या, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें सही और गलत की पहचान है दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। लेकिन आप उनके सामने नहीं कर पाते थे, समझ तो जाते थे कि इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसका सुनते थे, समझौता करते थे, कंप्रोमाइज़ करते थे। इस कार्ड से ये पता चलता है आपके जो रिश्तेदार थे, जो अपने ही थे, वही दुश्मन बने थे। ये भी सबसे बड़ी समस्या आपकी थी, जिसका आपने बहुत ही साहस से और डट कर सहा है दोस्तों इस समस्या को। आपके जीवन में देख रहे हैं समस्या ही समस्या, एकदम भयंकर समस्या थी, नथिंग, जीवन में कुछ ऐसा लगा कि कुछ है ही नहीं, ब्लैंक हो गए आप। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप बहुत ही रचनात्मक व्यक्ति हैं, आप बहुत बड़े, कोई आपके जीवन में बहुत ही प्रतिस्पर्धा थी, बहुत ही विरोधी लोग हैं आपके जीवन में, आपको कोई बड़ा पद, अगर आप वहाँ किसी बड़े कंपनी में काम करना चाहते थे या किसी बड़े कलाकार बनना चाहते थे, तो उसमें भी आपको लोग बनने नहीं दिए, आपको हर तरह से दबाया गया। बहुत बड़े कलाकार बन सकते थे, बहुत बड़े आप पेंटर बन सकते थे, बहुत एक बोलते ना एक आप ग्रेट इंसान बन सकते थे रचनात्मक क्षेत्र में, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया गया, आपके जीवन से सारा छीन लिया गया, आपके अपनों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके अपने ने ही धोखा दिया, और जो गैर थे उन्होंने भी धोखा दिया। इसके लिए आपके जीवन में केवल इस कार्ड से पता चलता है समस्या ही समस्या थी, लेकिन आपने उसको बहुत ही साहस से, बहुत ही करेज से, बहुत ही एडवेंचर से आपने उसको सहा। देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आती है दोस्तों, कि या उसका करेज, द चेंज। देखिए दोस्तों, आपको भगवान ने भी बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, गॉड ने ये दिया है, करेज के दो दो कार्ड आ गए दोस्तों। देखिए जिस तरह ये ईश्वर बता रहे हैं कि जैसे ये फूल है ना, दो पहाड़ के बीचों में से उगा है, उसी तरह आपने विषम परिस्थितियों को, दुख को, तकलीफ को समझौता करके साहस से आप इसी तरह फूल की तरह आप खिलेंगे। देख रहे हैं, इस फूल की तरह आप खिलेंगे और आप एकदम शाइन करेंगे, चमकेंगे,
आपका भाग्य बहुत चमकेगा, आप बहुत ही सक्सेस रहेंगे, सफल रहेंगे। आप बहुत ही करेज वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं। ये भी इस कार्ड से भी पता चलता है कि आपने पूरी विषम परिस्थितियाँ आपने साहस से निकाली हैं और आपको आगे जाने से, सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब जितनी भी विषम परिस्थितियाँ थी, जितने भी आपके तकलीफ थे, आपने तुरंत उसको हिम्मत से, साहस से, करेज से दूर किया है। और गॉड बोलते हैं कि आपका समय परिवर्तन होने वाला है, चेंज होने वाला है, यानी पॉजिटिव चेंज आने वाला है। कोई आपको मिटा नहीं सकता है ये दुख और ये तकलीफ, ये परिवार, ये सब आपके हिम्मत के आगे, साहस के आगे कुछ भी नहीं है। आपके समस्याओं के आगे कुछ भी नहीं है। आप सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। आपका समय बदलने वाला है, आपकी सारी समस्याएं ख़त्म होने वाली हैं अति शीघ्र। और आप जब समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी अपने साहस से, तो आप इस फूल की तरह आप एकदम खिलेंगे और सक्सेस और सफल रहेंगे। यहाँ पे ये दिया जा रहा है। अगर ये फाइल आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, जिन्होंने ये छोटा स्टोन चुना था, देखते हैं उनमें क्या समस्याएं आती हैं और वो समस्याओं को कैसे निराकरण कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। और आपके जीवन में कौन कौन सी समस्या आ रही है दोस्तों, देखिए फर्स्ट फाइल में भी यही आया दोस्तों, और सेकंड फाइल में भी यही कार्ड आया, पास्ट लाइफ, यानी आप पिछले जीवन से आपको बहुत ही समस्याएं मिली हैं, बहुत ही तकलीफ मिला है। आपके परिवार में भी बहुत झगड़ा है, कलह है, किसी प्रॉपर्टी को लेकर भी आपको तकलीफ है। साथ ही साथ आपके परिवार वालों ने ही आपको धोखा दिया है, यानी आप, हो सकता है कि आपके परिवार में जो विचार हो आपसे न मिलते हों, और आपके परिवार में खूब झगड़ा होता हो, कलह होता हो, सुख शांति ना हो। एक बात, एक कहावत है कि अगर परिवार सुखी है तो सब सुखी, और आप परिवार से ही दुखी थे तो आपका मन कैसे लगेगा, आपका मन कैसे शांत रहेगा। जब इंसान का परिवार ही साथ नहीं देगा, माँ बाप ही साथ नहीं देंगे, पति पत्नी ही साथ नहीं देंगे, तो इंसान किधर जाएगा? वो बुरी तरह से तकलीफ में रहेगा, बुरी तरह से वो परेशान रहेगा। और आपका जो पिछला समय है, जो पास्ट लाइफ है, जो बीत चुका है, वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही बेकार था। आपको इस बात का समस्या था, अपने परिवार से ही आपको समस्या थी, और समस्या बहुत बड़ी थी दोस्तों। देखिए यहाँ इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपके जीवन में, या तो हो सकता है आपके जिस जहाँ काम करते थे कंपनी में, या तो किसी भी जगह दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप जिस जगह काम करते थे या परिवार में रहते थे, वहाँ किसी का भी विचार मिलता नहीं था। यहाँ पे आप बहुत बुरी तरह से धोखा खाए हैं, आपका विचार नहीं मिलता, जिसके कारण आपको लोग दबा देते थे, नीचे गिरा देते थे, देख रहे हैं। और यहाँ पे इन और यान का चित्र है दोस्तों, तो यहाँ पे ये बताया गया है बहुत लोग का जो सोलमेट कनेक्शन में है, यानी जो पार्टनर थे, मेल या फीमेल दोनों लोग को मैं बोल रही हूँ कि विचार में जो मतभेदता थी, जो भी वैचारिक मतभेदता थी, उसमें आप लोग दोनों अलग हो गए, आप में एकता थी ही नहीं। प्यार तो था लेकिन एकता नहीं था, विचार विषम था, जिसके कारण आप लोग अलग हो गए और तकलीफ से आपको ये समस्या, प्यार से दूर रहने की समस्या हो गई। यहाँ पे देख रहे हैं, एक है स्वान, एक है ईगल। स्वान क्या होता है? प्रेम का, स्नेह का प्रतीक होता है, अपनों में प्यार स्नेह था। लेकिन ईगल क्या होता है? हिंसा का, डराने का, धमकाने का ये हो जाता है। तो आप में ये समस्या थी, प्यार से संबंधित समस्या थी, परिवार से संबंधित समस्या थी। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए, आप हिम्मत मत हारिए दोस्तों, आप ये सब समय बदलेगा और आप एक हीरा की तरह चमकेंगे। देख रहे हैं हीरा जैसे कैसे चमक रहा है, आप हीरा की तरह चमकेंगे। आपकी जितनी भी समस्याएं हैं वो शीघ्र दूर हो जाएंगी और आप एकदम एक नेक दिल और अच्छे इंसान बन के जिएंगे। इतनी समस्या होने के बाद इंसान का ये चित्र देख रहे हैं, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान है, तनाव में है, डिप्रेशन में है। इसका मन इतना चंचल है कि उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जिस इंसान को अपने परिवार से धोखा मिले, अपने प्यार से धोखा मिले, उसका मन कैसा होगा दोस्तों? एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है।
आप मन से बहुत परेशान हैं, बहुत ही चंचल हैं, बहुत ही डिप्रेशन में हैं दोस्तों। ये बड़ी बहुत समस्या है, आप मानसिक रूप से परेशान हैं। यहाँ पे दिख रहा है मेरे को कार्ड से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये आदमी देख रहे हैं बहुत ही तकलीफ में है, बहुत दुखी है। अपने मशीन को क्या कर रहा है, उसका मशीन का पुर्जा टूट गया है और वो बहुत ही डिप्रेशन में है, तनाव में है, सोच रहा है कि मेरा काम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसी तरह आपको परिवार की चिंता है, आर्थिक चिंता है, प्यार से संबंधित तनाव है, जिसके कारण आप एकदम टूट गए हो, एकदम फूट गए हो यहाँ पे इस मशीन की तरह। अब उसको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं प्लेन या गाड़ी कैसे उड़ाऊँ कैसे चलाऊँ। देख रहे हैं इस व्यक्ति को कितना निराश है, कितना दुखी है, कितनी बड़ी समस्या है इसको। जब उसका प्लेन ही टूट गया है, उसका जो कल पुर्जा है सब टूट गया है, मतलब कहने का तात्पर्य इंसान दिल से टूट गया है अपने प्यार की वजह से, अपने परिवार की वजह से, तो क्या करेगा। बहुत परेशान है, बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। यहाँ पे इस कार्ड से ये पता चलता है कि आप बहुत बड़े निर्माता हैं, बहुत ही क्रिएटर हैं, बहुत ही बड़े आप अंदर से समझदार और अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन आपको इतनी समस्याएं घेर ली हैं दोस्तों कि आपको सही दिशा नहीं मिल रहा है आपकी, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन ईश्वर ने, गॉड से आपको आशीर्वाद मिला है और यहाँ पे जो भी आपको समस्या आ रही है उसको आपको नई दिशा मिलेगी। कर्ता धर्ता निर्माता आप ही हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। जितनी भी समस्याएं हैं आप उसको दूर कर सकते हैं, निर्माता आप ही हैं, आप में वो शक्ति है जो जितनी सारी समस्याएं आ रही हैं आपके जीवन में, आर्थिक, पारिवारिक, प्यार से संबंधित, दिमाग से संबंधित, वो सब दूर हो जाएंगी। इस कार्ड से ये पता चलता है कि आपको जो हर चीज़ में आपको परेशान किया गया है, जिसके कारण आपको कोई नई दृष्टि नहीं मिल रही है, नया दिशा नहीं मिल रहा है, ये समस्या है। आप तो खोज रहे हैं, आप बहुत क्रिएटर हैं, लेकिन आपको नहीं मिल रहा है वो रास्ता कि मैं किस रास्ते पर चलूं, ये बड़ी समस्या है। लेकिन आप घबराइए मत, चिंता मत करिए, आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है और आपको देख रहे हैं ये किस तरह ये रास्ता खोजने की कोशिश करो, ऊपर देख रहे हैं तो प्रकाश ही प्रकाश है। आपको भगवान का ब्लेस प्राप्त है दोस्तों, आपको नई दिशा मिलेगा, नया विजन मिलेगा और आने वाले जीवन में आप जितनी भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आर्थिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी और साथ ही साथ प्यार से संबंधित परेशानी और जॉब से, नौकरी से, व्यवसाय से, जो भी आपको तकलीफ है, इसमें सबसे ज़्यादा आपका मन चंचल है दोस्तों। आप मन को अस्थिर करिए, मन को नियंत्रित करिए, आप में वो करने की शक्ति है, कर सकते हैं, तो आपकी जितनी समस्याएं हैं वो अवश्य दूर हो जाएंगी दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या गॉड की तरफ से गाइडेंस आता है दोस्तों। क्लीन इन द पास्ट और लेजनेस। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको आपको नया विजन, नया राह, नई जो दुनिया होती है वो मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा आप आलसीपन, लेजीपन छोड़िए। फिर आप जब लेजीपन छोड़ेंगे तो इस व्यक्ति की तरह आप कहीं भी पैसे वाले बनेंगे, घूमने वाले बनेंगे, साथ ही साथ इंजॉय करेंगे अपने जीवन को। सारी समस्याओं को अगर छोड़ देंगे तो इसी तरह आप मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। देख रहे हैं इंसान कैसे बैठा है यहाँ पे, एकदम खुशी से आनंद ले रहा है हर एक चीज़ जीवन का। इसी तरह आप भी जीवन का आनंद लेंगे जब इन समस्याओं से आप दूर हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे बहुत ही प्यारा कार्ड निकल के आया है दोस्तों, क्लीनिंग द पास्ट। यहाँ भी आया, फर्स्ट फाइल में आया, आप जो पुरानी बातें हैं उसको साफ करिए, क्लीन करिए, तो आपका जीवन जो है बहुत ही सक्सेस जाएगा, बहुत ही सफल हो जाएगा और आप अपने जीवन में ऐसे ही राज करेंगे, ऐसे ही आनंद उठाएंगे जीवन का, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और साथ ही साथ इसमें ये दिया गया है कि आप जो पिछली बातें हैं उसको भूल जाइए, उसको याद मत करिए, अपना मन को नियंत्रित करिए, मन को शांत रखिए, तनाव छोड़िए और पिछली बातों को तो बिल्कुल ही भूल जाइए और अपना जीवन आनंद से बिताइए। अगर ये फाइल आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।